अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर फर्रुखाबाद की जेल में कैदियों ने आज जमकर बवाल काटा है। बड़ी खबर, फर्रुखाबाद में जेल में जमकर बवाल हुआ। यहां पर डेंगू से एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद में कैदियों ने कोरोना फैलने की अफवाह फैलाकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बैरिक नंबर 2 और 9 से शुरू हुआ और देखते ही देखते देखिए किस तरह से यहां पर जेल नंबर 1 पर कब्जा कर लिया गया था। छत के ऊपर कैदी यहां पर सवार हैं, जो बाउंड्री है वहां पर कैदी सवार हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि यहां पर जो सुरक्षा बल, उन्हें मोर्चा संभालना पड़ा। अस्पताल के बेडों में इन कैदियों ने आग लगा दी, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। इस दौरान 30 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने एक्शन लिया और कैदियों के हंगामे पर काबू पाया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद की, जहां पर फर्रुखाबाद जेल पर कैदियों ने जमकर हंगामा किया है और ये हंगामे की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर डेंगू के चलते एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद कैदियों ने कोरोना फैलने की अफवाह के चलते यहां पर हंगामा शुरू हो गया और इसी हंगामे के चलते स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि इस दौरान पुलिस जो मोर्चा संभालनी थी, देखिए जरा यहां पर ये आग की तस्वीर, आग की लपटें आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। ये जो लपटें हैं, दरअसल बताया जा रहा है कि यहां पर कैदियों ने अस्पताल के बेड में भी आग लगा दी। आनंद कुमार, डीजी जेल इस समय मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं। आनंद कुमार जी, अगर अभी तक इस पूरे मामले की बात करें तो क्या वजह सामने आ पाई है, कैसे इतना ज्यादा बवाल हो गया है? देखिए, एक बंदी, जैसा आपकी जानकारी में होगा, एक बंदी को जेल में डेंगू हुआ और उसको फिर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल से सैफई एम्स में रेफर किया गया, क्योंकि उसका प्लेटलेट लेवल काउंट कम हो रहा था। वहां पर उसकी कल शाम को 8 बजे दुखद मृत्यु हो गई। उसके बाद ये आज सुबह जब जेल खोली गई तो ये बैरक संख्या 9 में था फर्रुखाबाद जेल की, और वहां बंदियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। उन्होंने हाथे में उपलब्ध जो कंकड़ पत्थर और जो भी चीजें थी उससे पथराव किया जी। पुलिस और पीएसी और जिला प्रशासन के इंटरफेरेंस के बाद और उन टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल करना पड़ा और उनके बाद बंदियों को शांत किया गया। बंदियों को अपने अपने बैरकों में भेजा गया और इस बीच में सुबह जब जेलर और डिप्टी जेलर जेल के अंदर गए थे तो उनको थोड़ा मैनहैंडल किया गया था। तो आनंद जी, जो जान गई है वो कोरोना के चलते गई है या फिर डेंगू के ही चलते गई है? नहीं, डेंगू के अकाउंट पर एक बंदी की डेथ हुई कल 8 बजे, जो पिछले 4 दिन से अस्पताल में था। उसकी कोरोना से नहीं, डेंगू से मौत हुई है, मैं दोबारा स्पष्ट कर रहा हूँ जी। तो आनंद जी, ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर कैदी हंगामा कर रहे थे, पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं, स्थिति काफी बिगड़ गई थी। स्थिति बीच में एक समय था जब बंदियों ने पथराव किया और पुलिस को और प्रशासन को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन एक बंदी को छोड़ करके एक बंदी को चोट लगी। अब वो बंदी को चोट कैसे लगी उसकी जांच की जा रही है, और उसके अलावा माइनर इंजरीज हमारे जेलर और डिप्टी जेलर को आई है। और 1 घंटे के लगभग समय के अंदर अंतराल में सारी व्यवस्था बना ली गई थी बंदियों को। अभी सिचुएशन कैसी है आनंद जी? सिचुएशन बहुत पहले नॉर्मल हो गई है और अब जांच चल रही है। डीएमएसपी जिला प्रशासन मौके पे है, हमारे डीआईजी भी वहां पहुंच गए हैं जी। पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और पूरी स्थिति की जांच की जाएगी। जो भी बात आई है तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर जुडिशियल इंक्वायरी तो होगी ही जी। और साथ ही साथ हमारी जो डीआईजी है उनकी जांच भी होगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। डीजी जेल आनंद कुमार को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि स्थिति कंट्रोल में की जा चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले की ज्यूडिशियल जांच की भी बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि इस दौरान जब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो इस दौरान जो कैदियों की तरफ से पथराव किया गया उसमें कई अधिकारी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इस पूरे मसले पर एसपी का क्या कहना है, सुनिए। यहाँ की जो जेल का स्टाफ इनके द्वारा बताया गया था कि डिमांड की गई इनके द्वारा फोर्स की, तो पता चला तुरंत मौके पर यहाँ पर आए। और यहाँ पर आने के बाद में जो हमारे डीएम साहब और हम आए, साथ ही साथ जो हमारा बाकी फोर्स है जिसमें एडिशनल एसपी, सीओ और सेंट्रल जेल के जो अधीक्षक हैं उनको बुलाया गया। और उसके बाद यहाँ पर अंदर जो बवाल हुआ उस पर काबू पाया गया। पूरा जो अभी तक सामने आया वो ये है कि एक संदीप यादव सन ऑफ रणवीर सिंह हैं, जो कि यहाँ पर 2012 से निरुद्ध बंदी हैं, जिन्हें 2016 में दहेज हत्या के अंदर आजीवन कारावास मिला हुआ है। उनका डेंगू उनको हुआ था और उनको डेंगू होने के कारण 5 तारीख को यहाँ से सैफई एम्स में रेफर किया गया, प्रॉपर उनका इलाज करवाया गया।
उसका इलाज करवाने के बाद जो सूचना आई थी कि जो 6 तारीख को यानी कल शाम को करीब 7:30 वो डेंगू के कारण एक्सपायर कर गए हैं। उसके संबंध में उन्हीं के बैरक में रहने वाले जो संजीव यादव हैं, जो कि यहाँ पर 376 पॉक्स एक्ट के मामले में अंडर ट्रायल हैं, उनको जो कि उनके गांव के ही भाई लगते हैं, उनको सूचित किया गया था। उसके बाद आज सुबह जो बात सामने आई थी कि करीब 7:45 जब जेल स्टाफ के द्वारा बैरक्स के अंदर चाय बांटी जा रही थी, सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था, उस समय जो सेलेस सोनकर जो कि डिप्टी जेलर थे उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 नंबर बैरक में हमला किया गया। हमला करने के बाद ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्होंने पत्थरबाजी करना, आगजनी करना। और मेरे सहयोगी आदर्श इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आदर्श, फर्रुखाबाद में जेल के अंदर कैदियों ने जमकर बवाल काटा है, हालांकि अपने अपने तर्क अपनी अपनी बातें जरूर यहां पर कही जा रही हैं, लेकिन इतना ही ज्यादा उग्र कैदियों का ये समूह कैसे हो गया, ये भी अहम सवाल है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रशासन के जो भी बड़े अधिकारी हैं वो इस बात की सफाई देने में जरूर लगे हुए हैं कि आखिर पूरी घटना क्या थी, कैसे हुई और स्थिति को कंट्रोल में किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल उन लोगों को रखा जाता है जेल में जो लोग पहले से सजा याफ्ता होते हैं या फिर विचाराधीन कैदी होते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक अपराध जो होता है वो पहले से दर्ज होता है, और ऐसे में सुरक्षा जो है बेहद जरूरी, बेहद महत्वपूर्ण होती है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की आशंका मौत के बाद रात में जब बवाल हो गया था, कैदियों ने रात में ही बवाल किया था, तो उसके बाद कम से कम ये एश्योर करना चाहिए था कि सुबह ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, और वो शायद कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों में चूक रह गई और जिसकी वजह से सुबह नाश्ते के समय इन कैदियों ने हंगामा किया। और जिसके बाद कहा जा रहा है तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसे सिपाही हैं जिनके सर में चोट लगी है, बाकी भी डिप्टी जेलर समेत दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी चोटें आई हैं। और इस दौरान जो आपसी झड़प हुई है पुलिस और इन कैदियों के बीच में, कुछ उसमें जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो निश्चित तौर पर जेल ऐसी जगह होती है जहां पर इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन चूक हुई है ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, आदर्श, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अब हालांकि स्थिति कंट्रोल में जरूर यहां पर बताई जा रही है।